Hello, my dear friends. Welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem I. Khan, Assistant Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be process to compel production of things, in which we will discuss Section 97 to Section 99. What will be the procedure of search of any premises? We will discuss in today's lecture. So, आज का हमारा point of discussion है process to compel production of things का third part, जिसमें हम discuss करने वाले हैं section 97 to section 99. कोई premises को search करने का process क्या रहेगा, procedure क्या रहेगा, magistrate किस तरीके से warrant सर्च वारंट इश्यू कर सकता है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इस पर पूछे गए क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस टॉपिक पर पूछ सकता है. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स सेक्शन 97 टू 99 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. सो सेक्शन 97 डील्स विथ सर्च फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड. सेक्शन 97. सो इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेज दैट द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. If any district magistrate and sub-divisional magistrate or JMFC is having a reason to believe that any person is confined and such confinement is an offence, under such a circumstances, he may issue a search warrant and the persons to whom such warrant is directed may search for the person so confined. So under such a circumstances, such district magistrate, sub-divisional magistrate and JMFC can issue a search warrant. And the warrant directed to any person and the warrant directed to that particular person can search that particular premises in which the person is confined. तो क्या होगा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को या मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को ऐसा लगता है कि कोई पर्सन को बंदी बना के रखा गया है और वो जो कन्फाइनमेंट है वो कन्फाइनमेंट ऑफेंस है, समझ रहे हो, वो लीगल कन्फाइनमेंट नहीं है बल्कि वो कन्फाइनमेंट ऑफेंस है, तो उस सिचुएशन में ये जो मैजिस्ट्रेट है वो मैजिस्ट्रेट सर्च वारंट इशू कर सकता है और वो डायरेक्ट करेगा सर्च वारंट किसी पुलिस ऑफिसर को और वो पुलिस ऑफिसर उस प्रीमाइसेस का सर्च करेगा जिसमें उस पर्सन को बंदी बनाकर रखा गया है. एंड द पर्सन इज इफ फाउंड शैल बी इमीडिएटली टेकन बिफोर अ मैजिस्ट्रेट who shall make such order as in the circumstances of the case seems proper. So suppose if the police officer conducted a search and if he found the person so confined, then it will be the duty of that police officer to take the person who is confined immediately before the magistrate who has issued a search warrant. Suppose police officer search karta hai और सर्च करने के बाद वो प्रीमाइसेस में अगर वो पर्सन जिसको बंदी बना के रखा गया है अगर वो मिलता है तो उसको इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, वो मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसने सर्च वारंट इशू किया है. सो नाउ सेक्शन 97 पे पूछा गया क्वेश्चन है महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन JMFC 2020 में. अ सर्च वारंट फॉर पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड मे बी इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ऑल ऑफ द अबव. तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और यहाँ अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें तो सेक्शन 97 क्लियरली मेंशन कर रहा है कि इफ एनी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास हैज रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन इज कन्फाइंड अंडर सच सर्कमस्टांसेज दैट कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. तो यहाँ पर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, ये तीनों को पावर है सर्च वारंट इशू करने का. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट इज 2012 JMFC एग्जामिनेशन. अंडर सेक्शन 97 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सर्च वारंट टू फाइंड आउट अ पर्सन कैन बी इशूड इफ द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग, द पर्सन इज अनलॉफुली कन्फाइंड, द पर्सन इज मिसिंग, Whereabouts of such a person are not known. तो ये चार ऑप्शन है कब सर्च वारंट इशू कर सकता है.
कि द कन्फाइनमेंट अमाउंट्स टू एन ऑफेंस. तो इफ़ द पर्सन इज रॉन्गफुली कन्फाइंड, अगर किसी पर्सन को रॉन्गफुली कोई बंदी बना के रखता है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 97 में कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकता है. सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट वन, द पर्सन इज अनलॉफुली कन्फाइंड. नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97 ऑफ CRPC, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू इशू अ सर्च वारंट, कौन सर्च वारंट इशू नहीं कर सकता है? द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, द कोर्ट ऑफ सेशन. तो हमने ऑलरेडी एग्जाम्पल डिस्कस किया है कि ओनली डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट एंड जे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज हैविंग अ पावर टू इशू सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97 ऑफ CRPC. सो द करेक्ट आंसर इज द कोर्ट ऑफ सेशन. द कोर्ट ऑफ सेशन कैनॉट इशू अ सर्च वारंट अंडर सेक्शन 97. नाउ सेक्शन 98, पावर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स. सो अपॉन कंप्लेंट मेड ऑन ओथ ऑफ द अबडक्शन ऑफ और अनलॉफुली डिटेंशन ऑफ अ वुमन और अ फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर एनी अनलॉफुल पर्पस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर फॉर द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमन टू हर लिबर्टी और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, पेरेंट, गार्डियन और अदर पर्सन हैविंग द लॉफुल चार्ज ऑफ सच चाइल्ड एंड मे कंपेल कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर एज मे बी नेसेसरी. सो व्हेनेवर एनी कोर्ट इज रिसीव्ड एनी कंप्लेंट रिगार्डिंग द अबडक्शन एंड डिटेंशन ऑफ एनी फीमेल, इफ एनी वुमन और एनी फीमेल चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड इफ दैट पर्टिकुलर अबडक्शन इज फॉर अनलॉफुल पर्पस, देन सच अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मे मेक एन ऑर्डर रिगार्डिंग द इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ सच वुमन टू हर लिबर्टी और ऑफ सच फीमेल चाइल्ड टू हर हस्बैंड, गार्डियन और पेरेंट और अदर पर्सन हैविंग लॉफुल चार्ज ऑफ अ चाइल्ड एंड मे कंपेल द कंप्लायंस विद सच ऑर्डर यूजिंग सच फोर्स एज मे बी नेसेसरी. जब कभी भी कोई कोर्ट के पास कंप्लेंट आएगी कि किसी वुमन को या फीमेल को अनलॉफुली डिटेन करके रखा गया है, उसको अबडक्ट करके लगा गया है, ले जाया गया है किडनैपिंग करके, तो उस सिचुएशन में अनलॉफुल पर्पस के लिए अगर ले जाया गया है, उस सिचुएशन में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक ऑर्डर पास करेगा ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में जिसने उनको उठाकर लेकर गया है, कि उसको जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, उसको जल्दी से जल्दी छोड़ दिया जाए या जल्दी से जल्दी उसको हैंड ओवर किया जाए. अगर कोई चाइल्ड है, फीमेल चाइल्ड है, तो उसको उसके हस्बैंड को या पेरेंट को या गार्डियन को उसको हैंड ओवर किया जाए. ये कोर्ट ऑर्डर पास कर सकता है सेक्शन 98 में. इस पे प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 98 पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 98 ऑफ CRPC, हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू मेक एन ऑर्डर टू कंपेल रेस्टोरेशन ऑफ अबडक्टेड फीमेल्स, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड द कोर्ट ऑफ सेशन. हमने देखा कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इज हैविंग अ पावर टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 98, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट इज ऑल्सो हैविंग अ पावर टू पास ऑर्डर अंडर सेक्शन 98 एज वेल एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज हैविंग अ पावर टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 98. तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट पास कर सकता है, JMFC पास कर सकता है, तो पास कौन नहीं कर सकता है? द कोर्ट ऑफ सेशन. तो राइट आंसर इज कोर्ट ऑफ सेशन. नाउ सेक्शन 99, डायरेक्शन ऑफ सर्च वारंट्स. द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78 एंड 79 शाल so far as may be apply to all search warrant issued under section 93, section 94, section 95 and section 97. So section 93, 94, 95, section 97 में जो जो search warrant issue होंगे वो search warrant का क्या होगा कि जो provision है section 38, 70, 72, 74, 77, 78 और 79 में जो प्रोसीजर बताए वाले हैं वो सब अप्लीकेबल हो जाएंगे इस सिचुएशन में. तो हमने देखा कि 72 से 79 वारंट से रिलेटेड प्रोविजन है कि वारंट को इशू किस तरीके से किया जाता है, वारंट एग्जीक्यूट कैसा होगा, तो ये पूरे प्रोविजन अप्लीकेबल हो जाएंगे जब कभी भी अगर सर्च वारंट को इशू करता है सेक्शन 93, 94 और 95 में, समझ रहे हो, 97 में, तो ये पूरे प्रोविजन अप्लीकेबल
हो जाएंगे. सो दीज आर द पर्टिकुलर प्रोविजन विच वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू वेरी मच.